Hello dear children, welcome to grammar class. So children, in the today's class we are going to start with the new chapter homophones. As you can see, chapter 11 homophones. So what do you mean by homophone? We have already first class mein reading kiya hai is chapter ko. So homophones are the words which sound same but the spelling and meaning is different. ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे होते हैं मगर उनका अर्थ और उनका स्पेलिंग एकदम अलग होता है एक दूसरे से. ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन फॉर यू. द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. फॉर एग्जाम्पल सी, एस डबल ई सी, दूसरा वाला एस ई ए सी. तो ध्यान दीजिए, एस डबल ई को हमने कैसे प्रोनाउंस किया, कैसे रीड किया उसको, एस डबल ई सी. ओके, और दूसरा वाला जो है एस ई ए सी, वो भी हम उसको सी ही बोल रहे हैं बट द मीनिंग एंड स्पेलिंग्स आर टोटली डिफरेंट. एस डबल ई सी मतलब आंखों से देखना, वी सी विथ अवर आईज, हम आंखों से देखते हैं. और एस ई ए सी का मतलब अ लार्ज पार्ट ऑफ वॉटर. ओके, लार्ज वाटर बॉडी, जहां पे पानी बहुत ज्यादा हो, महासागर समुद्र. ओके, उसको कहा जाता है सी. सो बहुत ही डिफरेंट है, इनकी स्पेलिंग भी अलग है और इनका मतलब भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. सो ऐसे कई सारे वर्ड्स है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, कई सारे शब्द जो बोलने में एक जैसे लगते हैं मगर उनका स्पेलिंग और उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है. सो दिस इज कॉल्ड होमोफोन इन ग्रामर. ग्रामर की भाषा में ऐसे शब्दों को जो एक जैसे सुनाई पड़ते हैं मगर उनकी अर्थ और उनका स्पेलिंग लिखने टाइम में अलग होता है, उनको क्या कहा जाता है, होमोफोन्स. सो ध्यान रखिए, एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस, होमोफोन्स. द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड, एक जैसी ही आवाज बट डिफरेंट मीनिंग, उनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, उनका मतलब या अर्थ एंड स्पेलिंग भी, लिखते टाइम उनकी स्पेलिंग भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, आर कॉल्ड होमोफोन्स. ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बट यू हैव टू लर्न व्हाट आर होमोफोन्स. सो सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, बी ए आर ई बेर, बी ए आर ई बेर, बी ई ए आर ऑल्सो बेर. देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्पेलिंग अलग है, इसको भी हमने कैसे रीड किया, बेर. बी ई ए आर को भी हमने कहा बेर. साउंड इज सेम, इन दोनों का साउंड एक जैसा है, जब हम इनको रीड करते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है मगर इनकी स्पेलिंग और इनका दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है. सो बी ए आर ई को क्या, इसका मतलब क्या है बेर का, हाउ डू वी गो टू टेम्पल, हम टेम्पल के अंदर कैसे जाते हैं, नंगे पांव, हम पैरों में शू या चप्पल नहीं पहनते हैं. सो दैट इज कॉल्ड बेर, बेर फूट, नंगे पांव. ओके, बेर. एंड बीई ए आर बेर इज अ वाइल्ड एनिमल लिविंग इन अ जंगल. सो बीई ए आर बेर मतलब भालू, वो एक वाइल्ड एनिमल है. सो ध्यान दिए आपने, यहाँ पे इनका मतलब बिल्कुल अलग है और इनकी स्पेलिंग भी अलग है बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम. सेकेंड एग्जाम्पल, डी डबल ई आर डियर, डीई ए आर इज ऑल्सो डियर. सो डियर डियर, सो डी डबल ई आर डियर का मतलब हिरण, इट इज अ वाइल्ड एनिमल लिविंग इन जंगल, हिरण को क्या कहते हैं, डियर. एंड डीई ए आर इज ऑल्सो डियर, हम ये डीई ए आर का प्रयोग कब करते हैं, वेन वी आर राइटिंग अ लेटर, हम जब लेटर पत्र में हम अपने पापा या मम्मा, अपने फ्रेंड को, दीदी भैया, ऐसे प्रिय लोगों को जब हम लिखते हैं, मेरे प्रिय. ओके, डियर अंकल, डियर मम्मा, डियर पापा, डियर भैया, सो प्रिय कहने के लिए हम डीई ए आर डियर का यूज करते हैं इन अ लेटर. ओके, सो ध्यान दीजिए, डी डबल ई आर डियर, डीई ए आर डियर. सो एक हिरण है और दूसरा वाला लेटर में यूज किया जाने वाला वर्ड है. थर्ड एग्जाम्पल, एफ ए आई आर फेयर, एफ ए आई आर फेयर, एफ ए आर ई फेयर. सो दोनों का हमने कैसे रीड किया, फेयर, मगर एफ ए आई आर फेयर का मतलब क्या होता है, मेला. ओके, मेला आप जो देखते हैं ना, अभी छुट्टियों में जाते हैं मेले में घूमने के लिए, बहुत सारे शॉप्स होते हैं, बहुत सारे राइड्स होते हैं. ओके, सो दैट इज फेयर. एंड एफ ए आर ई फेयर का मतलब
जब हम किसी कार में ऑटो में जब जाते हैं तो उनको हम फेयर देते हैं ना, कहीं पे भी घूमने का प्राइस, ओके दैट इज फेयर अमाउंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल एस ओ एन सन, एस यू एन सन. सो एस ओ एन सन का मतलब क्या है? बेटा. एंड एस यू एन सन का मतलब सूरज. सो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सन सन है, बट स्पेलिंग इज डिफरेंट एंड मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल एम ए आई एल मेल, एम ए आई एल मेल, एम ए एल ई मेल. ध्यान दीजिए एम ए आई एल को हमने कैसे रीड किया? मेल. एंड एम ए एल ई को भी कैसे रीड किया? मेल. सो एम ए आई एल क्या है? इट इज अ मैसेज. ईमेल, जीमेल आपने आजकल सुना ही होगा. सो कंप्यूटर द्वारा पहुंचाने जाने वाले, वायरलेस द्वारा पहुंचाने जाने वाले मैसेजेस को क्या कहते हैं? मेल. किसी मैसेज को यहां से वहां पहुंचाने के लिए. एंड एम ए एल ई मेल इज अ जेंडर. ऑल द बॉयज, पापा, अंकल, ग्रैंडफादर, दे आर ऑल मेल, जेंडर है. सो मेल एंड एम ए एल ई मेल. नेक्स्ट एग्जाम्पल एस ए आई एल सेल, एस ए आई एल सेल, एस ए एल ई इज ऑल्सो सेल. सो इन दोनों को हमने कैसे रीड किया है? सेल सेल. मगर एस ए आई एल सेल का मतलब तैरना. शिप सेल ऑन द सी, शिप पानी में तैरता है. एंड एस ए एल ई सेल मतलब किसी चीज की बिक्री, सेल. सो सेल लगता है ना, कई बार डिस्काउंट लगता है सेल, कोई चीज बाजारों में बेची जाती है, सेल. सो एक का मतलब है तैरना और दूसरे का मतलब है बिकना, बेचना. एंड द लास्ट एग्जाम्पल हियर एच ए आर ई है, एच ए आर ई है, एच ए आई आर है. सो दोनों को हमने कैसे रीड किया? है. मगर एच ए आर ई है का मतलब क्या है? रैबिट, मेल रैबिट. ओके, सो रैबिट में मेल वाले को हेयर कहा जाता है. एंड एच ए आई आर हेयर मतलब बाल, हमारे बालों को हम हेयर कहते हैं. सो अगेन प्रोनाउंसिएशन इज सेम इन द ऑल वर्ड्स, बट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स आर टोटली डिफरेंट. सो दीज आर सम ऑफ द पेयर ऑफ होमोफोन्स. यहाँ पे कुछ होमोफोन्स के पेयर बताए गए हैं जिनमें इन सबके साउंड तो एक जैसे हैं, मगर इनका मीनिंग और स्पेलिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. सो दीज आर ऑल होमोफोन्स. सो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया ना होमोफोन्स का मतलब क्या है. नाउ इन योर टेक्स्ट बुक देर आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस जिनमें पिक्चर है और उनके वर्ड्स दिए गए हैं. सो आपको पिक्चर के अनुसार सही होमोफोन को चुनना है. सो लेट अस डू द एक्सरसाइज फ्रॉम अवर ग्रामर बुक. सो चिल्ड्रन, दिस इज अवर एक्सरसाइज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 79. सो वी हैव स्टडीड व्हाट आर होमोफोन्स. नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए, लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड चूज द करेक्ट वर्ड. जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं और उनका सही होमोफोन आपको यहाँ पे इनमें से चुनना है. ओके, सो फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी इट इज ऑफ अ सेल फोन, एक मोबाइल फोन का पिक्चर है. सो हम इसको क्या कहते हैं? सीई डबल एल सेल, एस ई डबल एल सेल. सो दोनों में, दोनों ही वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन सेम है. सीई डबल एल सेल, एस ई डबल एल सेल. सो प्रोनाउंसिएशन इज सेम, मगर सीई डबल एल सेल का मतलब फोन एंड एसई डबल एल सेल मतलब बेचना. ओके, किसी भी चीज को बेचने को भी सेल कहा जाता है. सो विच इज द राइट वर्ड वी हैव टू चूज? सीई डबल एल सेल. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी अ बिन हियर, डस्टबिन है जिसमें बहुत सारा वेस्ट सामान भरा गया है. सो डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट, डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट एंड डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट. दोनों का प्रोनाउंसिएशन अगेन एक जैसा है. ध्यान दीजिए डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट, डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट. मगर पहले शब्द का मतलब क्या होगा डब्ल्यू ए एस टी ई का? वेस्ट, कचरा, जो यूजफुल ना हो, कोई चीज जो इस्तेमाल में ना आए उसे हम वेस्ट कहते हैं. सो एंड डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, सो जो सही पिक्चर से मैच होने वाला वर्ड यहाँ पे कौन सा है? डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट, कचरा. सो वी हैव टू टिक ऑन द राइट वर्ड. नंबर थ्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस चीज की पिक्चर है? एक चींटी की, एंट. सो ए यू एन टी आंट, ए एन टी आंट.
सो हम लोग नॉर्मली हमारे इंडियन इंग्लिश भाषा में हम ए एन टी एंट को एंट करके रीड करते हैं, मगर इन अमेरिकन इंग्लिश दे से ए का प्रोनाउंसिएशन मतलब मोस्टली किस तरह से करते हैं, आ आंट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट इंग्लिश ए यू एन टी को भी हम आंट बोलेंगे एंड ए एन टी को भी हम आंट कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर सही शब्द इसमें से कौन सा मैच होगा, ए एन टी। सो ए एन टी के ऊपर आपको टिक लगाना है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर नंबर फोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेडी है, यहाँ पे कुछ बाय कर रही है, कुछ खरीद के आई है। ओके, बी यू वाई बाय, बी यू वाई बाय मतलब खरीदना एंड बी वाई ई बाय मतलब किसी को टाटा बाय बाय करना। ओके, किसी को सेंड ऑफ करना। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये लेडी कुछ शॉपिंग करके आई है, उनके बहुत सारे बैग्स हैं उनके हैंड में। ओके, सो खरीदने को क्या कहते हैं, बाय, बी यू वाई बाय। सो बी यू वाई बाय इज अ राइट वर्ड, सो इसके ऊपर हम टिक करेंगे। ओके, नाउ अगला एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट होमोफोन पिक्चर। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके शब्द के अनुसार सही पिक्चर के साथ आपको उसको मैच करना है। नाउ बीई, हम बीई को कैसे रीड करते हैं, बीई बी, बीई बी। अब इसमें से कौन सा पिक्चर बीई बी के साथ मैच कर रहा है, ऊपर वाला जो फर्स्ट पिक्चर है ये पेयर है एंड दिस इज टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, इसको हम मैथ्स की भाषा में क्या कहते हैं, सम। प्लस करना, एडिशन को हम सम भी कहते हैं मैथ्स में, सो सम। और यहां पे ये है डीर, ये है शिप एंड दिस इज बी, मधुमक्खी, हनी बी। ओके, सो बीई बी एंड और ये पिक्चर को क्या कहते हैं, बी डबल ई बी। सो ये पिक्चर इस शब्द के साथ मैच करता है, सो यू कैन मेक अ लाइन हियर, बीई बी को हम बी के पिक्चर के साथ मैच कर देंगे। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट वर्ड एस एच डबल ई पी शीप, एस एच डबल ई पी शीप, सो शिप एंड कौन सा पिक्चर इसके साथ मैच कर रहा है, शिप, जहाज, एस एच आई पी शिप, शिप शिप। सो अगेन दीज टू आर मैचिंग, सो मेक अ लाइन हियर, पी ए आई आर पेयर, जोड़ा, पी ए आई आर पेयर। सो अब कौन सा वर्ड, कौन सा पिक्चर इस वर्ड के साथ मैच करता है, पेयर, इस फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पेयर, पी ई ए आर पेयर, सो पेयर पेयर, इनको भी हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट एस ओ एम ई सम, एस ओ एम ई सम एंड मैथ्स की मैथ्स लैंग्वेज में प्लस करने को क्या कहा जाता है, एस यू एम सम। ओके, एडिशन को हम सम भी बोलते हैं मैथ्स में, सो एस ओ एम ई सम एंड एस यू एम सम, सो वी कैन मैच इट। डीई ए आर डियर, डी डबल ई आर डियर, हिरन, हिरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डियर, सो डियर डियर, सो मैच देम लाइक दिस, यू हैव टू मैच द पिक्चर विद द होमोफोन वर्ड। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टू एक्सरसाइजेस हियर, दिस इज इनफ फॉर टुडे। जैसे कि कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने दो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिए हैं, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। सो इतना ही आप आज रिवाइज करिए, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद द रिमेनिंग टू एक्सरसाइजेस। ओके चिल्ड्रेन, सो लिसन द वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बाय बाय।